दोस्तों वेलकम, कैसे हैं आप सब। आज हम सुल्तानगंज रोड पर आए हैं। यहाँ पर पप्पू जलेबी वाले काफ़ी फेमस है, 50 साल पुरानी दुकान है उनकी और ये जलेबी का काम करते हैं। काफ़ी फेमस है अपने इलाके में ये, और उनसे बात करेंगे और पूछेंगे और देखेंगे, आपको दिखाएंगे ये जलेबी कैसे बनाते हैं। दूसरों से काफ़ी डिफरेंट है इनकी जलेबी, सुना है कि काफ़ी हैवी बनाते हैं, ज़्यादा पतली नहीं होती, और उनसे बात करेंगे, आपको भी दिखाएंगे और दोस्तों दिखाते हैं आपको। जी जलेबी निकाल रहे हैं, काफ़ी सगनी है, काफ़ी हैवी लग रही है और ये मैटर इन्होंने अपना स्पेशल है जाति में डाला हुआ बना के, और उनसे पूछते हैं ये मैटर कौन सा है, किसका बनाते हैं, किसकी जलेबी ये तैयार करके लोगों को देते हैं, जो काफ़ी यहाँ लोगों का रश खड़ा हो जाता है और लोग खाते हैं और स्वाद उनका बना हुआ है ये खाने के लिए। सर ये कितना पुराना काम है आपका जलेबी का? हमारा 50 साल हो गया। 50 साल हो गए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये पप्पू जी नाम किनका है? ये मेरे पापा का था, ये ना हमारे दादाजी ने चालू किया था काम। ठीक है, और आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मन्नू। मन्नू जी, और ये काफी डिफरेंट है आपकी जलेबी, दूसरों के हिसाब से काफी हैवी बनाते हैं आप जलेबी, और किसमें बनाते हैं ये, डालडे में की? हाँ जी, डालडे की में, डालडे में बनती है, वनस्पति घी होता है। ठीक है, और कितने बजे शुरू कर देते हैं? हम 4:30 बजे चालू हो जाता है और रात का टाइम हमारा 10:30 बजे तक। 4:30 से 10:30 बजे। छुट्टी वगैरह होती कोई? हाँ जी, छुट्टी होती कोई? नहीं नहीं, कंटिन्यू चलता रहता है जी, कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी कोई नहीं होती, अगर कोई काम पड़ जाए तो छुट्टी, वैसे कोई छुट्टी नहीं। और ये कैसे देते हैं, तोल के देते हैं? नहीं, ये देखो हमारा रेट है जो 160 रुपए किलो है, 160 रुपए किलो, कोई 10 रुपए की भी लेना हम 10 रुपए की भी दे देते हैं, वो भी आप दूने में दे देते हैं टेस्ट करने के लिए, मना नहीं करते। ठीक है जी, मैं कहता हूँ कोई वैसे भी मांगे वैसे भी दे देते। और मिक्सर किस चीज का बनाते हैं? ये मैदा होता है, मैदे का बैटर बनाया होता है, मैदे में और मिट्टी के घड़े में बनाना, सिर्फ मैदे ही है खाली? ठीक है, और घड़े में बनाया स्पेशल जो आपका जो बर्तन लगा हुआ है, ये जो बैटर है ना, ये मैदा और पानी 2 दिन पहले घोल के रखना पड़ता है, इसको मिक्स करके रखते हैं 1-2 दिन पहले। हाँ जी, पतला था। ठीक है, वो पतला होता है बैटर, फिर सुखा मैदा ला के जिस हिसाब से जलेबी बननी उसी हिसाब से बैटर संग्रह कर देते हैं। हाँ जी, मनु जी ये जलेबी जो उन्होंने निकाली है वो चाशनी में डाल रहे हैं और बाद में इनको सर्व करेंगे और ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तैयार हो गई है, चाशनी में डाली है, वो निकाल रहे हैं और जो लोगों जो लोग आए हुए हैं वो लेके जाएंगे, पैकिंग करवाएंगे, जहाँ जहाँ पर खड़े होकर खाएंगे। ये 10-20 का भी डोना तैयार कर देते हैं और किलो के हिसाब से भी मिल जाता है। ये देखिए कितना रश है, काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये देंगे डाल के जितने की कोई लेगा। हमारी भी टर्न आ गई है, हम भी अपना डोना तैयार करवाते हैं। मनु जी हमारा भी डूना तैयार कर देना जलेबी का। इन्होंने हमारे लिए ये डूना तैयार कर दिया है, पेपर पर इन्होंने जलेबी रख दी है, काफी गर्म है, आपके सामने दिखाया है, इन्होंने फ्रेश बिल्कुल अपना मैटर डाला है, बनाई है, ये नहीं कि बनी बनाई पहले से गर्म करके दे रही है, बिल्कुल फ्रेश है, मैदा बिल्कुल ताज़ा है इन्होंने रखा हुआ है मिट्टी के बर्तन में, यही इनकी स्पेशलिटी है। और ये किलो के हिसाब से भी देते हैं और थोड़े पैसे की भी देते हैं, 10-15-20 जितनी की भी लेनी हो आप ले सकते हैं, और इसको हम ट्राई करके बताएँगे आपको खाके। और ये डालडे में बनाते हैं, ये नहीं कि देसी घी में बनाते हैं, डालडे में बनाते हैं, डालडे ही इन्होंने बोला है, और ये टेस्ट करते हैं इसका। काफ़ी क्रंची है, काफ़ी टेस्टी है, मीठा भी नॉर्मल ही है, ज़्यादा नहीं है डला हुआ, और बिल्कुल गर्मा गर्म है। आप ही जब सुल्तानगंज रोड पर आए, यहाँ पर पप्पू जलेबियाँ वाले काफ़ी फेमस है, आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।